हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के अंदर हम ऑक्सो एसिड देखेंगे। इसमें भी टोटल चार तरह के ऑक्सो एसिड हमें देखने को मिलते हैं। एक एक के हम स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो चीजें हमें पूछी जा सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल चार ऑक्सो एसिड है, इसमें से फर्स्ट HClO4 को हम कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलता है। Cl डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक रहता है यहां पे और यहां पे OH, सेम यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड अगेन डबल बॉन्डेड। टोटल क्लोरीन की बात करें तो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 बॉन्ड करने के लिए। तो हम देख सकते हैं यहां पे टोटल 7 बॉन्ड हमें क्लोरीन के दिख रहे हैं। क्लोरीन के पास अभी कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। ये वाले OH की बात करें तो इसमें से हाइड्रोजन हमें मिल सकता है, इसीलिए अगर ये पूछ ले तो ये होता है मोनोबेसिक। दिस इज मोनोबेसिक, तो ये मोनोबेसिक होता है। इसके अंदर स्टेरिक नंबर देखें हम तो स्टेरिक नंबर क्लोरीन के लिए देखें तो टोटल 4 और लोन पेयर नहीं बचा है तो 4। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हमें मिल सकता है, वो है sp3। तो सेम हमें ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी हमें पूछ सकते हैं। क्लोरीन के लिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर मांग ले तो Cl यहां पे होता है +7 पोजीशन, तो क्लोरीन +7 वाला है। शेप के थ्रू भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है ये जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप में है, तो हमसे पूछ ले तो हमें याद रखना है ये है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पोजीशन है। तो फर्स्ट हमने बात की है, ये है HClO4 के लिए। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है HClO3। HClO3 जो है उसे हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड के अंदर स्ट्रक्चर देखें क्लोरीन एक सीधा अटैच OH, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है और क्लोरीन जो है उसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ होता है। तो इस तरह से हमें मिलता है। शेप की बात करें तो ये होता है ट्राइगोनल पिरामिड। इसके अंदर भी हमें OH दिख रहा है तो ये भी होता है मोनोबेसिक। स्टेरिक नंबर सेम देखे तो 1, 2 और 3 लोन पेयर एक है तो T+1 तो अगेन 4, हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3, कोई चेंज नहीं। और ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का हमसे पूछ सकते हैं, Cl के लिए देखें तो +5। तो ये हमने देखा है सेकंड नंबर। बात करते हैं थर्ड नंबर HClO2 की बात करें तो इसे हम कहते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड शेप की बात करें Cl एक सीधा OH और एक होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और देख सकते हैं इन्हें 3 बॉन्डिंग हमें दिख रही है तो अभी उसके पास 2 लोन पेयर बची हुई होती है। यानी यहां पे देखें तो क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर बची हुई है। शेप की बात करें तो हमें शेप देख के ही पता चल सकता है दिस इज
वी शेप बोल सकते हैं। इसके लिए भी OH हमें दिख रहा है, तो दिस इज मोनो एसिड। स्टेरिक नंबर सेम ले ले तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन यहां पे देखें तो 2 एंड लोन पेयर भी 2 है, तो 2 प्लस 2 टोटल 4, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे मांग सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे देखें तो हमें मिल सकता है प्लस 6। और लास्ट 4 नंबर HCl, इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड। स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए सेंट्रल एटम हमने सब में देखे जिसके अंदर हमें क्लोरीन जो है वो दिख रहा है, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर में याद रखना, इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से होता है। ऑक्सीजन यहां पे है, यहां पे है क्लोरीन, और यहां पे है हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर क्लोरीन के पास अभी भी तीन लोन पेयर बचे हुए हैं, और ऑक्सीजन के पास इसी तरह से दो लोन पेयर बचे हुए होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ये स्ट्रक्चर भी सेम है, यानी शेप अगर उसे पूछ लेते हैं तो कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम राइट बोल सकते हैं। इसके लिए अगर स्टेरिक नंबर देखें तो आप ऑक्सीजन के लिए देखो या क्लोरीन के लिए देखो, ऑक्सीजन के लिए देखें तो भी 2 प्लस यानी 4 ही होने वाला है, क्लोरीन के लिए देखो तो भी 1, 2, and 3, and 1, 4, यानी कोई भी कंडीशन में स्टेरिक नंबर 4 ही हमें मिलेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो वो sp3 ही होने वाला है। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी हमें मांग सकते हैं, सीएल देखे तो हमें प्लस 1 वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से टोटल 4 ऑक्सो एसिड हमें मिल जाते हैं क्लोरीन के लिए। अब चारों के लिए आपको एसिडिक ऑर्डर आपसे पूछ सकता है कौन ज्यादा एसिडिक है, तो याद रखना है जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकते हैं, तो उसका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। एसिडिक नेचर आपसे पूछ ले तो सबसे पहले है HClO4, फिर आएगा HClO3, फिर HClO2, एंड लास्ट में HClO। तो ये याद रखना है आपको, और किसके बेसिस पे है तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे है। तो फिलहाल हमने बात की है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के लिए, जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग ऑक्सो एसिड देखे हैं, उसके स्ट्रक्चर देखे हैं और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह का एक और एग्जांपल के साथ।